हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे नीट के कुछ बारे में। नीट का सीट जो इंक्रीज हुआ है EWS कोटा का, तो वो हर एक स्टेट का हम लोग देखते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री से निकाला गया है और ये मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, कल पढ़ा। NDTV का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या टाइम्स ऑफ इंडिया का तो अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मिल जाता वो देख लेता हूँ एक बार फटाफट। तो वो न्यूज़पेपर में मुझे दिखा कि EWS का सीटें कुछ इंक्रीज हुई है। तो टोटल देखो 5,200 मेडिकल सीट इंक्रीज हुआ है फॉर EWS कोटा, क्लियर है। और अब थोड़ा हो रहा है, मतलब अब काम हो रहा है मेडिकल पे, अब काम हो रहा है और अच्छी है ये काम होना। और जितना मेडिकल पे काम होगा उतना सीट इंक्रीज होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं कितना टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीजेस हुए हैं हर एक स्टेट में। स्टेट वाइज 5,200 मेडिकल सीट टोटल इंक्रीज हुए हैं, पर स्टेट वाइज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ इंक्रीज 5,200 MBBS सीट्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS रिजर्वेशन। तो एक बात याद रखना, जो जनरल कैटेगरी के होंगे वही जा करके EWS कोटा लेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग EWS भी ले लिए प्लस कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी भी ले लिए, दोनों चीज़ नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। या तो आप EWS में आ जाओगे, दोनों आप बनवा सकते हो, पर मेडिकल की काउंसलिंग में जब एडमिशन लेने जाओगे तो दोनों में आपकी नहीं होगी, या तो EWS में मिलेगा या तो आपको रिजर्वेशन में मिलेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। अनग्रेजुएट के लिए टोटल 24,698 सीट्स इंक्रीज हुए हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों को मिला करके दो साल में। अब यहाँ पे देखो, देर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 15,815 UG सीट एंड 2,153 PG सीट। PG की सीटें इसलिए कम इंक्रीज होती है क्योंकि PG मैक्सिमम स्टूडेंट अलग अलग शहर में चले जाते हैं, अलग अलग कंट्री में चले जाते हैं, और PG में या तो वो सेम कॉलेज में रह जाते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिस करने लगते हैं आफ्टर MBBS, ठीक है। तो इसलिए PG में कम सीटें इंक्रीज होती है और पहले से सीटें हैं PG में। इन 2019 और 20 में 10,565 UG सीट्स इंक्रीज हुई है, 10,565 सीट, ठीक है। और ये छोटा मोटा सीट नहीं है, बहुत अच्छा सीट है। ही ऑल्सो सेड देयर आर नाउ अराउंड 75,000 MBBS सीट्स फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द नेशनल एलिजिबिलिटी, मतलब नीट जिन्होंने क्वालिफाई किया 75,000 MBBS सीट। अब इंक्लूडिंग प्राइवेट ये बता रहे हैं या गवर्नमेंट ही है सिर्फ, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि 75,000 आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और हम लोग अब देखते हैं स्टेट वाइज, तो ये आ गया। इट वाज अनाउंस्ड अर्ली दैट द EWS रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट इंक्रीज सीट्स एंड नॉट ऑन द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स, मतलब जितना सीट पहले से था उसी में EWS को भी ला करके उस में ही एडमिशन देना नहीं था, मकसद EWS का था नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाया गया है EWS का, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना पहले नंबर ऑफ सीट्स था उसी पे ही EWS का भी एडमिशन हुआ, EWS के लिए अलग से सीट इंक्रीज किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज, आंध्र प्रदेश में 360, आसाम में 124, बिहार में 190, छत्तीसगढ़ में 120, बिहार में 190 सीटें इंक्रीज हुई है, थोड़ा ध्यान देना इसे। छत्तीसगढ़ में 120 सीट्स, दिल्ली में 115 सीट्स, गोवा 30, गुजरात 700, हरियाणा 110, हिमाचल प्रदेश 120, जम्मू एंड कश्मीर 85, झारखंड 30। झारखंड में हमेशा वही होता रहेगा, सीटें कम की कम ही रहेगी, और तो और ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ये लोग सीटें डिक्रीज भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज सही नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। धनबाद में टोटली 100 सीट हुआ करती थी, डिक्रीज करके 50 सीट कर दी गई। जमशेदपुर का भी अब कब डिक्रीज हो जाएगा कोई नहीं जानता, सिर्फ एक रिम्स के कारण झारखंड की मेडिकल चल रही है। कॉलेज की बात करें तो हॉस्पिटल तो और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, PSU की हॉस्पिटल है, बेस्ट हॉस्पिटल है वो। केरला है, केरला में 155 सीटें इंक्रीज हुई है। मध्य प्रदेश में 270, मणिपुर में 25,
महाराष्ट्र में 970, उड़ीसा में 100, पौंडीचेरी में 30, पंजाब में 100, राजस्थान में देख लेना 450 सीटें इंक्रीज हुई है। और ये रियल सीटें हैं, मतलब ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर में छाप दिया, ये ऑफिशियली छापा गया है, तब उन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर में निकाला है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारा कुछ पब्लिश किया गया है। तेलंगाना में 190, त्रिपुरा में 25, उत्तर प्रदेश में 326, उत्तराखंड में 75, वेस्ट बंगाल में 4450। वेस्ट बंगाल में भी सीटें अच्छे खासे इंक्रीज हुई है फॉर EWS कोटा, टोटल 5200 सीटें इंक्रीज हो चुकी है। तो अभी जिन लोगों का स्टेट का काउंसलिंग बाकी होगा और EWS से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को सीट मिल जाने की संभावना, तो अच्छे से काउंसलिंग करना, मे भी सीट मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, अगले साल फिर हम लोग आएंगे और जम के मेहनत करूँ इस साल, मे भी नेक्स्ट ईयर सीटें इंक्रीज और कुछ कर जाए, और सीटें इंक्रीज़ करेगी तो चांसेस बढ़ेंगे कि हाँ सीट मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि उतना ही कट ऑफ रहे जो इस साल है और वैसा ही पेपर रहे जो इस साल है, पेपर पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया जाए तो मे भी कट ऑफ नीचे आ जाएगा, तो इसलिए डरना मत, खुल के मेहनत करना और होगा आपका सिलेक्शन। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड फॉर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम मीन्स नीट 2020। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।